हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 अक्टूबर का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का जो न्यूज़ है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे गाइस, दैट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, राइट। अगर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक क्योंकि है उसका रीज़न ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं जो हूँ प्रत्येक दिन का आपको जो हूँ जो बेस्ट जो उस दिन का पूरे दिन का जो है 20 करेंट अफेयर का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी टाइप का कंपटीटिव एग्जामिनेशन हो, तो वो सारे एग्जामिनेशन के लिए मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो या फिर SSC का हो, CDS का हो। तो यहाँ पे गाइस और एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर ही नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको जैसे कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैथ्स भी मिलता है, GK GS की भी क्लासेस मिलती हैं, आपको UPSC के लिए भी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बस आपको क्या करना है, आपको अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे क्या करो कि यहाँ पे इस चैनल को शेयर करो मैक्सिमम बच्चों तक, जो भी बच्चे घर पे बैठकर अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उनको फर्टाइल क्लासेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर के साथ वो जुड़कर जो फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठकर ही अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये है कि विच बैंक नेम्ड ACR सेफेस्ट बैंक फॉर द 12th कंसिक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार 12 सालों से जो है वो कौन सा बैंक जो है वो एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक है लगातार 12 सालों से। तो हमारे पास क्या है, पहला यहाँ पे एशिया का सेफेस्ट बैंक में पहला ऑप्शन है आपका ADB, दूसरा है DBS, तीसरा है SBI और चौथा है SBC। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, DBS। आखिर ये DBS है क्या? तो सबसे पहले DBS बैंक जो है वो अभी मतलब यहाँ पे ये किया गया है कि ये फोर्थ सेफेस्ट कॉमर्शियल बैंक है पूरे वर्ल्ड में, और ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 14th सेफेस्ट बैंक है DBS, ये जो है आपका यहाँ पे सेफेस्ट बैंक इन एशिया है, पूरे एशिया में इससे सेफेस्ट कोई बैंक नहीं है, तो ये बोला गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो DBS जो है यहाँ पे है, और अगर कॉमर्शियल बैंक में अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इसका जो है वो चौथा स्थान है, चौथा सेफेस्ट। एंड ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो ये 2018 मतलब 19 में जो और 18 में इसका 14th रैंक था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये था सिंपल सा, आपको इसमें ध्यान यही रखना है कि कौन सा जो है यहाँ पे बैंक जो है वो एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक है फोर 12 लगातार पिछले 12 सालों से, तो ये DBS इसका हो गया करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए पिछला क्वेश्चन भी आपका बैंक से रिलेटेड था, ये भी क्वेश्चन आपका बैंक से रिलेटेड है। विच बैंक फर्स्ट बैंक टू गो लाइव ऑन RBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो है RBI का जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे कौन सा पहला बैंक जो है यहाँ पे काम करने वाला है, यहाँ पे आपके पास चार बैंक हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास यस बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है इंसिलैंड बैंक एंड यहाँ पे जो है चौथा है ये आपका SBI है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा इंसिलैंड बैंक, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इंसिलैंड बैंक जो है वो अनाउंस किया है कि यहाँ पे लाइव जो है ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर फैसिलिटी जो है FIP, यहाँ पे जो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है RBI का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेगा, और ये हमारे कंट्री का पहला ऐसा बैंक है जो ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेल करा रहा है, जिसमें कस्टमर जो है वो अपना जो भी बेनिफिट है वो लाइव, जैसे कि व्यूइंग द स्टेटमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स, जैसे अपने अकाउंट का या फिर उनका डिपॉजिट क्या है उसके बारे में, या फिर प्लान इन्वेस्टमेंट क्या है, शेयर के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, ये सारी जानकारी वो ऑनलाइन ले सकते हैं, राइट। एंड ये क्रेडिट कार्ड भी अवेल करा रहा है सिंगल विंडो से,
राइट। तो ये सारा जो है किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो है हमारा इंसलैंड बैंक के द्वारा ये ऐसा किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, हु वॉन द स्पेशल प्राइज इन द ग्लोबल आर्ट कंपटीशन। तो किसने अभी जो है स्पेशल प्राइज ग्लोबल आर्ट कंपटीशन में किसको मिला, कौटिल्य को, अंजर मुस्ताइन अली को, या फिर विनय सहस्त्रा बुधे को, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अंजार मुस्ताना मुस्ताइन अली, राइट। तो इनको जो है ग्लोबल आर्ट कंपटीशन से जो है इन्होंने जीता। तो ये जो है एक 6 साल का, ये एक 6 साल का बांग्लादेश का एक लड़का है अंजर मुस्ताइन अली, जिसने लगभग ये प्राइज जीता $1,000, $1,000 उसको दिया गया था। और इस आर्टवर्क के लिए ग्लोबल आर्ट कंपटीशन में, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ICCR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ द कल्चरल रिलेशन, यहाँ पे किया गया था। और ICCR ने ये लॉन्च किया था ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन एंड नेम द यूनाइटेड अगेंस्ट द कोरोना। तो इस दौरान जो है यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे एक्सप्रेस थ्रू द आर्ट विच अट्रैक्टेड द 8,000 आर्ट वर्क इंट्रीज फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से जो है कितने लोग आए थे, यहाँ पे लगभग 8,000 लोग आए थे, जिसमें ये 6 साल का बच्चा जो है पहला, यहाँ पे पहले राउंड के लिए 210 लोगों को चुना गया, जिसमें ये बच्चा जो है ये क्या ये जीता, कौन सा प्राइज़, आप सिंपल सा बोल सकते हो, ग्लोबल आर्ट कंपटीशन में इसको ये प्राइज़ मिला। और प्राइज़ का नाम ये था स्पेशल प्राइज इन द ग्लोबल आर्ट कंपटीशन, किसको मिला, अंजर मुस्ताइन अली। ये कितने साल का लड़का था, 6 साल का लड़का था, और ये कहाँ कहाँ का था, बांग्लादेश का था। चलिए अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इज टू बी द प्लेड इन विच सिटी, किस सिटी में इसको जो है खेला मतलब जाता है। तो यहाँ पे जो है ये गया है, खेला गया है, तो यहाँ पे सिंपल सा कानपुर, ग्वालियर, इंदौर या फिर रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा गाइस। तो चलिए बता दो जल्दी से। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर। तो ये जो प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो है वो किस सिटी में खेला गया, यहाँ पे इंदौर में। तो एक यूनिक प्लास्टिक लीग, जिसका यहाँ पे प्लास्टिक प्रीमियर लीग मतलब PPL टूर्नामेंट जो है वो लॉन्च किया गया था इंदौर में, मध्य प्रदेश में, जिसमें ये था कि सिंगल और यूज प्लास्टिक को जो है वो वहाँ पे फ्री करने के लिए ये जो है PPL खेला गया था। तो इंदौर जो है यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी जाना जाता है, इनोवेटिव एफर्ट्स के लिए रिगार्डिंग द क्लीनिनेस, मतलब इससे ये पता चलता है कि इंदौर जो है यहाँ पे क्लीननेस्ट क्लीनिंग पे कितना ज़्यादा फोकस करता है, जिसके लिए उन्होंने PPL को ऑर्गेनाइज कर दिया। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच नेशन होस्ट द 19th मीटिंग ऑफ द SCO मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन इकोनॉमी एंड द फॉरेन ट्रेड, राइट। तो SCO, यहाँ पे SCO का मतलब क्या होता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे कौन सी कंट्री जो है 19 मीटिंग यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड के लिए, जो SCO का जो 19th मीटिंग होने वाला है, उसका कौन सा कंट्री जो है उसको होस्ट करेगा, चाइना, इंडिया, US एंड स्कॉटलैंड। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, मतलब इंडिया के द्वारा इस जो है SCO मीटिंग को क्या किया जाएगा, यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो इंडिया जो है ये 19th मीटिंग जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हो रहा है, मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड का, उसका इंडिया होस्ट करेगा। एंड इसमें जो है ये है कि जो भी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री जो पीयूष गोयल हैं, वो यहाँ पे उन्होंने कहा और ड्यू टू द COVID-19 इन द तो उस COVID-19 के कारण जो भी इन्हेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन रीजन में जो हुआ, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। तो बस सिंपल सा यही है कि किसके द्वारा ये होस्ट किया गया, तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा ये होस्ट किया गया, राइट, 19th मीटिंग ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो यहाँ पे सीआईसी किसे अपॉइंट किया गया, मतलब आईसी का चीफ किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिलास शुक्ला, दूसरा है बिमल शुक्ला, तीसरा है यशवर्धन कुमार सिन्हा और चौथा है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो कि क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे सीआईएफ का कमिश्नर अभी चुना गया यशवर्धन कुमार सिन्हा को, राइट। चलिए देखते हैं तो इसके बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया किसका नेम, जो फॉर्मर फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाएगा और वे पहले भी काम कर चुके हैं किस चीज़ के रूप में, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, और वो जो है एक मोस्ट सीनियर पर्सन है और इनका पोस्ट जो है सीआईसी चेयरमैन हैज़ बीन वैकेंट फॉर द सेवरल मंथ आफ्टर द बीमल जुल्का रिटायर। जब बिमल जुल्का इनसे पहले थे तो वो जब रिटायर हुए तो लगभग कुछ महीनों से ये पोस्ट खाली था, तो ये पोस्ट जो है अब किसके द्वारा संभाला जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा है, यशवर्धन कुमार सिन्हा के द्वारा ये जो है पोस्ट संभाला जाएगा। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है गाइस, तो इसको देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हु पार्टिसिपेटेड इन द 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड द फिनंशियल डायलॉग्स ऑन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस। तो कौन सा जो है किसने अभी पार्टिसिपेट किया 10th जो इंडिया और यूके इकोनॉमिक एंड फिनंशियल जो डायलॉग जो बातचीत हुआ ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस पे जो हुआ, उसमें कौन कौन मतलब किसने भाग लिया, स्मृति ईरानी ने, निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने या राजनाथ सिंह ने। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, देखते हैं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फिनांस डायलॉग पर जो है उससे रिलेटेड जो है वो ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या हुआ है कोरोना वायरस पे, तो वो इंडिया की तरफ से जो 10th मीटिंग होने वाला था इंडिया एंड यूके के बीच में, तो इंडिया की तरफ से कौन भाग गया, तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीतारमण, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो गया निर्मला सीतारमण। तो फिनांस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो डायलॉग था वो ग्लोबल रिस्पॉन्स इस कोरोना वायरस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली से, राइट। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में बात किया गया, राइट। तो ये निर्मला सीतारमण यहाँ पे इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु लॉन्च्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, किसने ये लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया, ये आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट। तो यहाँ से इससे क्या होगा कि जैसे कि अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो जैसे कि इंडियन यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते हैं और एकोमोडेट करना चाहते हैं अपना ग्रोइंग रैंक या फिर कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसका जो है इससे इस चीज़ से मदद मिलेगा और यही है। अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्रुप सेफ गार्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विद द फ्री पे कार्ड, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी जो है, ओके सो कौन सी कंपनी जो है, यहाँ पे डी ऑप्शन रिलायंस है, तो कौन सी कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस किया ग्रुप सेफ गार्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विद द फ्री पे कार्ड, तो कौन सी कंट्री ने ऐसा जो है इंट्रोड्यूस किया ग्रुप सेफ गार्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किसके साथ, फ्री पे कार्ड के साथ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो पहला है आपका बिरला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है ICICI लोम्बार्ड, उसके बाद LIC और चौथा है आपके पास रिलायंस। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ICICI लोम्बार्ड। तो ये जो है ICICI लोम्बार्ड जो है एक लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है लन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर
जो अगर हम लोग बात करें नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का, राइट, तो उन्होंने ये जो है फ्री पे कार्ड के साथ मिलकर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो स्टार्ट किया, राइट। चलो, और इससे क्या होगा कि फ्री पे कार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये भी चीज़ थोड़ा सा जान लो कि ये एक इंश्योरेंस स्कीम है किसके लिए, जो भी फ्री पे कार्ड है का जो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है उसका जो मेंबर होंगे उनके लिए ये फैसिलिटी दिया जाएगा। और इसके अनुसार, इस इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार, यदि होल्डर फ्री पे कार्ड एक्सीडेंट या फिर हैज़ टू बी द हॉस्पिटलाइज फॉर द ट्रीटमेंट एंड दे विल गेट द इंश्योरेंस कवर। अगर मान लो कि कोई भी कार्ड होल्डर, अगर उनके पास इस चीज़ का इंश्योरेंस है, अगर उनका एक्सीडेंट्स हो जाता है या फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको जो है इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, राइट। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में है कि जापान अचीव द, वॉट इज द क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन ये है कि जापान अचीव द जीरो कार्बन एमिशन बाई विच ईयर। तो जापान जो है वो किस साल तक ये जो है जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है 2025, 2035, 2040 एंड 2050। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2050। करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, 2050। 2050 तक जो है यहाँ पे जापान ये चीज़ का दावा कर रहा है। जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है योशी हाइड सुगा, उन्होंने ये बोला कि कंट्री जो है वो जीरो कार्बन एमिशन जो है वो 2050 तक अचीव कर लेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ का जोर देते हुए बोला कि और कि 2050 तक उनकी जो पूरी जो जीरो कार्बन एमिशन है वो यहाँ पे अचीव कर लिया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है वो किस डेट को मनाया जाता है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब मनाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसका करेक्ट आंसर होगा 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। अब इसके अनुसार है क्या, तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है वो 29 अक्टूबर को यहाँ पे अंडर स्कॉट द सीरियस नेचर एंड हाई रेट ऑफ स्ट्रोक के रूप को देखते हुए यहाँ पे रेज द अवेयरनेस ऑफ द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन एंड इंश्योर द बेटर केयर एंड द सपोर्ट्स ऑफ द सर्वाइवर। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए 29 अक्टूबर को जो हमारे किसी भी एरिया में जो सीरियस नेचर एंड हाई रेट ऑफ स्ट्रोक जो आता है, जैसे झटका आता है, भूकंप आ गया, तो उस चीज़ के अवेयरनेस के लिए या फिर उसको प्रिवेंशन, उससे किस तरीके से प्रिवेंट करें उसके लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, या फिर इस कंडीशन में ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो उसके लिए जो है यहाँ पे अवेयर करने के लिए इस चीज़ को जो है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विथ हुम QCI लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। कौन सी जो है यहाँ पे किसके द्वारा QCI लॉन्च किया गया, नेशनल प्रोग्राम और प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है इनिशिएटिव जो कि आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ECI हो गया, राइट। ओके, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका ECI, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया आपका नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड TCS। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क इनिशिएटिव जो लिया गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसको और अच्छा बनाने के बारे में बात किया जाएगा, तो ये जो किस QCI के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे कि नीति आयोग एंड क्वालिटी QCI का मतलब क्या होता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया कौन सा प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क NPMPE।
जो कि ज़्यादा जोर किस पे देगा, जो भी रेडिकल रिफॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, वो जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उसको जो है यहाँ पे सुधार करने के लिए यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो भी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो नितिन गडकरी हैं, वो इस चीज़ को इनेबल करेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ऑफ द नॉलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इनबॉक बोल सकते हैं। एक बुक है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या फिर प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्राम है भारत में, वो लॉन्च करने का फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है किसके किसके साथ मिलकर काम करेंगे, ये मिनिस्टर जो हैं यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, नीति आयोग CEO जो अमिताभ कांत हैं, QCI चेयरमैन आदिल जैनुल भाई जो हैं, तो इनके साथ ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे। तो ये जो है बहुत ही अच्छी पहल है जो यहाँ पे की जा रही है। अब इसके बाद 30 नंबर में बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, हु डिस्कवर द वाटर ऑन द सुनिल्ट सनलिट सरफेस ऑफ द मून। तो यहाँ पे किसने जो है वाटर खोजा सनलिट सरफेस ऑफ मून, मतलब मून के सरफेस पे सनलिट सरफेस पे किसने वाटर खोजा, तो यहाँ पे जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है नासा, इसरो, CNSA या नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे नासा के द्वारा अभी जो है वो वाटर खोजा गया कहाँ पे, सनलिट सरफेस ऑफ द मून पे, राइट। ठीक है, तो नासा के द्वारा ये आपका खोजा गया है। अब यहाँ पे दो नया स्टडी जो है वो पब्लिश किया गया, न्यू एस्ट्रोलॉजी सजेस्ट देयर कुड बी द मच मोर वाटर दैन द प्रीवियसली थॉट, राइट। सो इंक्लूडिंग द आइस स्टोर इन द परमानेंटली शैडोड कोल्ड ट्रैप्स एट द लूनर एंड द पोलर रीजन। तो यहाँ पे लूनर एंड पोलर रीजन जो होता था, तो वहाँ पे जो है पहले जितना सोचा जाता था उससे ज़्यादा वाटर पाया गया, मतलब उसका ट्रेसेस मिला। और यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि यहाँ पे आइस जो है वो ज़्यादा परमानेंटली यहाँ पे शैडो के रूप में होते हैं, और जिससे यहाँ पे क्या होता है पानी की मात्रा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है। और यहाँ पे इसका डाटा जो है वो किसके द्वारा दिया गया, सोफिया के द्वारा। सोफिया मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के द्वारा ये दिया गया, एंड एयरबोर्न जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा रिसर्चर ने ये स्कैन किया कि लूनर सरफेस जो है वो सिंपल सा यहाँ पे 6 माइक्रोन के बदले जो है वो 3 माइक्रोन है। तो सिंपल सा आपको, एंड दिस अलाउ देम टू डिस्टिंग्विश द स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट ऑफ द मॉलिकुलर वाटर। तो सिंपल सा आपको बस ध्यान में देना है कि अभी जो है कौन सी कंट्री, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सनलिट सरफेस पे वाटर खोजा है। तो सिंपल सा यहाँ पे इसका आंसर क्या मार देना, नासा होगा इसका करेक्ट आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। 14 नंबर में ये है कि IBM कोलाबोरेटेड फॉर द डिजिटल सर्विस विथ विच कंपनी। IBM ने अभी जो है IBM जो है वो किस कंट्री के साथ ये डिजिटल सर्विस अभी स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, मतलब किसके साथ कोलाबरेट किया है। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड नन ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 14 का आंसर होगा यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पे क्या किया है, जो IBM ने यहाँ पे कोलाबोरेट किया है और उसके साथ मिलकर यहाँ पे डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक जाइंट टेक्निकल टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बोले तो बहुत ही बड़ी कंपनी है IBM। वो थ्रस्टे को यहाँ पे बोलती है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है IOCL, वो ट्रांसफॉर्म द लेटेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस यूजिंग द डिजिटल टूल। तो ये यहाँ पे करेगा, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो ट्रांसफॉर्म करेगा जो है कस्टमर एक्सपीरियंस को डिजिटल टूल से। और लगभग 12,400 जो IOCL डिस्ट्रीब्यूटर है वो कवर करेंगे लगभग 130 मिलियन कस्टमर, जो कि नाउ यूज द इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप पोर्टल एंड डेवलप बाय द IBM एंड द स्टेटमेंट। तो सिंपल सा है कि इससे ये बेनिफिट्स मिलेगा IOCL को कि IOCL जो है वो लगभग 12,400 डिस्ट्रीब्यूटर को कवर करेगा, और लगभग अगर उससे अगर लोगों के बारे में बात करें तो 130 मिलियन कंज्यूमर्स जो हैं वो यहाँ पे अब जो हैं वो क्या कर सकते हैं,
इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप पोर्टल यूज़ कर सकते हैं डेवलप बाय द IBM सर्विस स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे एक इंडियन ऑयल जो मोबाइल ऐप है वो पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, राइट। चलो तो ये था बेनिफिट्स, अब इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो है ASI ने अभी क्या किया, चलो तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ASI साइन द MOU विद द इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स विद विच IITs। तो यहाँ पे किस IIT के साथ यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को रीस्टोर करने के लिए जो है ASI ने साइन किया इटालियन इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। तो कौन सा है वो, IIT दिल्ली है, IIT लखनऊ, लखनऊ, IIT कानपुर एंड IIT गुवाहाटी। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा IIT कानपुर। तो यहाँ पे ASI ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स को फिर से रीस्टोर करने के लिए किसके साथ, कौन से IIT कॉलेज के साथ, कौन से IIT कॉलेज के साथ, तो सिंपल सा आप बोलोगे IIT कानपुर के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कानपुर है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द टू इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इटली सीकिंग द रीस्टोरेशन प्रोटेक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। मतलब उसको जो है क्या करना है, मतलब एक तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने साइन किया एक एग्रीमेंट, दो इंस्टीट्यूट जो है इटली से जो रन होती है वो क्या चाहती है, सिंपल सा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स है, जो भी स्मारक है, उसको रीस्टोर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसके लिए उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब इसके बाद 16 नंबर चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है NSDE। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है NSDC टाइड अप द टू एम्पावर द 1 लाख वीमेन विद द डिजिटल स्किल विथ विच कंपनी। NSDC ने अभी जो है 1 लाख औरतों को यहाँ पे डिजिटल स्किल सिखाने के लिए किस, मतलब किस कंपनी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब किस कंपनी के साथ उन्होंने टाइड अप किया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन या रिलायंस। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, सिंपल सा आपको इसका करेक्ट आंसर बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसका आगे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कोलाबरेट किया किसके साथ, कोलाबरेट किया वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के साथ, जो कि एक तरीके से डिजिटल स्किल जो है वो प्रोवाइड कराएगा किसके लिए, जो वीमेन होते हैं, जो अंडरसर्व जो वीमेन हैं उनके लिए, और आने वाले नेक्स्ट 10 मंथ में। और ये इनिशिएटिव जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप के साथ और NSDC जो है ये डिजिटल स्क्रिप्ट, जो भी डिजिटल स्किल है, जो 1 लाख वीमेन 1 लाख यूथ जो है हमारी कंट्री में वीमेन जो है उनको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। विच बैंक लॉन्च द TMSAC पोर्टल एंड 2020 विजिलेंस मैनुअल। कौन सा बैंक जो है ये लॉन्च किया, कौन सा बैंक जो है ये TMSAC पोर्टल लॉन्च किया एंड 2020 विजिलेंस मैनुअल, SBI, PNB, HDFC एंड SBC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PNB। PNB ने ऐसा किया, मतलब TMSAC पोर्टल लॉन्च किया और 20 विजिलेंस मैनुअल भी लॉन्च किया। अब यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो था उसके अकॉर्डिंग ये किया गया। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अनाउंस करता है कि वो टीमसैक का मतलब होता है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, राइट। इसका मतलब ये होता है ट्रैकिंग एंड मॉनिटर, PNB ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग द स्टाफ अकाउंटेबिलिटी केसेस पोर्टल एंड PNB's 2020 विजिलेंस मैनुअल। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे कि जो भी PNB के जो भी स्टाफ होंगे उनको मॉनिटर करना, उनकी जवाबदेही के जितने भी केस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो यहाँ पे विजिलेंस के लिए ये काम वर्क भी हो रहा है। उसके बाद
तो ये हो गया। तो ये जो सेरेमनी है वो ग्रेस किसके द्वारा किया गया, सुरेश एन पटेल जो विजिलेंस कमिश्नर हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पी डेनियल, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अलोंग विद द CHSS मल्लिकार्जुना राज राव, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक। तो ये इन लोगों के मतलब सहमति से यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तीसरा जो है मतलब नेक्स्ट जो है सिंपल सा अगर हम लोग बात करें, हु लॉन्च द डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, किसने ये लॉन्च किया, फोन पे, अमेजोन पे, रेजर पे एंड भारत पे। तो किसने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, डिजिटल गोल्ड अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया, तो वो है आपका भारत पे। इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट। तो डी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, डी जो है यहाँ पे लॉन्च कर रहा है क्या स्कीम, मतलब डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, राइट। चलो एंड द लास्ट क्वेश्चन, तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो है यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच नेशन एक्सटेंडेड द USD मतलब $1 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेंट्रल एशिया के लिए, कौन सा नेशन जो है यहाँ पे एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंडिया, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने अभी जो है $1 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सेंट्रल एशिया में जो है उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, वो एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब उसको बढ़ा दिया गया है। तो इंडिया ने ये अनाउंस किया कि $1 बिलियन जो है उसका लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वाइल मूविंग टू फर्दर एक्सपेंड द कॉरपोरेशन विद द रिसोर्स रिच रीजन इंक्लूडिंग द कॉन्फ्रंटिंग द कॉमन चैलेंज ऑफ द टेररिज्म एंड द एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पे जो है 1 बिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट को प्रायोरिटी देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सा कौन सा नेशन जो है इसको एक्सटेंड किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेंट्रल एशिया में, तो 1 बिलियन जो डॉलर था उसके लिए, तो वो कंट्री का नाम होगा यहाँ पे इंडिया, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यूरोपियन कमीशन साइन द न्यू इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट टू इन्हेंस द साइंटिफिक कॉरपोरेशन एंड द विच कंट्री। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लास्ट नंबर, कि यूरोपियन कमीशन जो है वो यहाँ पे एक न्यू इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट जो है वो कर रही है जिससे इन्हेंस हो साइंटिफिक जो कॉरपोरेशन है, और वो किस कंट्री के साथ ऐसा करने का सोचा गया। तो यहाँ पे इसरो, DRDO, ICSSR एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ICSSR, तो ये नन ऑफ दिस नहीं होगा, DRDO भी नहीं होगा, इसरो भी नहीं होगा, राइट। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको और भी सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं इससे और भी बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।